हे गाइस, वेलकम बैक। आज मेरी वीडियो वक्त से पहले हुए सफ़ेद बालों को घरेलू उपायों से कैसे काला किया जाए इससे रिलेटेड है। सफ़ेद बाल पर्सनैलिटी को ख़राब कर देते हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में स्ट्रेस और पॉल्यूशन वक्त से पहले ही बालों को सफ़ेद बना देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कारण होते हैं, जैसे कि मेलानिन की कमी, विटामिन बी की कमी और हार्मोन्स में बदलाव, जिसकी वजह से बालों में सफ़ेदी आना एक आम बात होती जा रही है। उम्र के साथ साथ बालों का सफ़ेद होना एक अलग बात है, लेकिन वक्त से पहले बालों का सफ़ेद होना यह एक चिंता का कारण है। तो इसे कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कुछ घरेलू उपाय हैं जो मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस होम ट्रीटमेंट के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो है कच्चा आलू, कच्चा प्याज, चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर। एक पैन में एक गिलास पानी डालें और उसमें एक चम्मच चाय की पत्ती डालें। इसके साथ साथ इसमें हाफ टी स्पून कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर लें। चाय का पानी बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। चाय में मेलानिन और केराटिन होता है, जो कि सफ़ेद बालों को काला करने में हेल्प करता है। चाय का पानी बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाने में भी हेल्प करता है। पर चाय के पानी से बाल धोने के बाद शैम्पू नहीं करना चाहिए। इसके पहले शैम्पू कर लें, उसके बाद चाय के पानी का इस्तेमाल करें, और इसके रेगुलर इस्तेमाल से सफ़ेद बाल भी काले होना शुरू हो जाते हैं। आप इसका इस्तेमाल अल्टरनेट डे पर भी कर सकते हैं। ग्रीन टी का इस्तेमाल भी बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। कॉफ़ी के इस्तेमाल से भी बाल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। यह बालों को सिल्क और शाइनी बनाता है। इसके साथ साथ कॉफ़ी बालों के कलर को भी काला बनाने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, ये होम रेमेडी जो आपके अपने किचन में ही ईजिली अवेलेबल है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने बालों को लंबे समय तक काला और खूबसूरत बनाकर रख सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। जब तक यह टी और कॉफ़ी का मिक्सचर बॉयल होता है, तब तक हम आलू और प्याज का एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं। आलू के जूस में गुड अमाउंट में स्टार्च पाया जाता है, जिससे बालों का एक्स्ट्रा ऑयल साफ हो जाता है, और इसके अलावा यह पतले होते हुए बालों को भी घना बनाता है और बालों को काला करने में बहुत हेल्प करता है। हमारा टी और कॉफ़ी का सॉल्यूशन भी तैयार हो गया है, और हमने आलू और प्याज को भी ग्रेट करके रख लिया है। ये देखिए इस पानी में कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसे छन्नी की हेल्प से छान लेंगे। इसे किसी बड़े बोल में आप छान करके रख लें। अब इसमें अनियन जूस ऐड कर लें। अनियन जूस के इस्तेमाल से गंजेपन की प्रॉब्लम दूर होती है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम दूर होती है, हेयर लॉस, डैंड्रफ, थिनिंग हेयर, ड्राई और बिटर हेयर की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसके अलावा ये प्री मैच्योर ग्रेइंग को भी कम करता है और बालों को काला करने में हेल्प करता है। अनियन में सल्फर एक रिच अमाउंट में पाया जाता है, जो कि प्रोटीन का कॉम्पोनेंट होता है, और स्पेशली केराटीन का, जो कि बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अनियन जूस में सल्फर हेयर फॉलिकल को नरिश करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करता है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ यह स्कैल्प इचिंग और इन्फेक्शन को भी दूर करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए अनियन जूस का इस्तेमाल हेयर प्रॉब्लम को दूर करने में बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह से आलू में भी विटामिन बी, विटामिन सी, जिंक और आयरन होते हैं, जो कि हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं, और इसके साथ साथ ये हेयर ग्रोथ को भी अच्छा करते हैं। यह हेयर फॉलिकल्स को भी नरिश करने के साथ साथ यह डैंड्रफ को भी दूर करता है और बालों को गिरने से भी बचाता है। इसके अलावा आलू का इस्तेमाल बालों को काला करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है।
कच्चे आलू का रस बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसमें एक गुड अमाउंट में स्टार्च होता है जिससे बालों से एक्स्ट्रा ऑयल हटाया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम हो तो वो भी दूर की जा सकती है और कच्चे आलू से बालों में कालापन लाया जा सकता है। इसलिए कच्चे आलू का इस्तेमाल यानी कच्चे आलू का जूस बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इन दोनों जूसेस को आप टी और कॉफ़ी के मिक्सचर में मिला दें और आपका ये होम रेमेडी बनकर के तैयार है। अब आप इसे एक बॉटल में स्टोर करके रख लें और इसे जब आपको ज़रूरत हो तब अपने हिसाब से इसे इस्तेमाल करें। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप पहले शैम्पू कर लें, उसके बाद गीले बालों में इस लोशन को स्प्रे कर लें और पूरे बालों में फैलाकर उंगलियों से मसाज कर लें। एक घंटे के बाद सादे पानी से हेयर वॉश कर लें। इसे लगाने के लिए आप कॉटन बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन बॉल को इस सॉल्यूशन में डिप करके पूरे बालों में फैला लें और मसाज करने के बाद कुछ देर के बाद अपने हेयर वॉश कर लें। ऐसा कुछ दिनों तक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल सिल्क और शाइनी हो गए हैं और साथ ही बहुत मैनेजेबल भी हो गए हैं। इसके साथ साथ यह बालों का कालापन भी बढ़ाता है। इस लोशन का इस्तेमाल ना केवल बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है बल्कि यह बालों को नरिश भी करता है, थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है और इसके साथ साथ यह बालों का कालापन भी बढ़ाता है। यह एक होम रेमेडी है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।